आज हम बनाने जा रहे हैं हरे चने के लड्डू। इसके लिए हमने एक कटोरी हरा चना लिया है, ये थोड़ा सा हमने खोया लिया है, ये हमने 10 काजू लिए हैं और 10 हमने बादाम लिए हैं, ये हमने 3 इलायची लिए हैं और 4 टेबलस्पून सूजी लिया है, ये हमने पूरा लिया है। चलिए हम बनाते हैं लड्डू। गर्म हो गए, इसमें हम घी डाल देंगे, घी को मेल्ट होने देंगे, इसमें हम बादाम डाल देंगे, हमको बादाम को फ्राई करना है। ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बस थोड़ा सा हम उसको हल्का सा ब्राउन होने पर उसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम काजू भी इसमें डाल देंगे और इनको भी निकालेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। ये हमने चने का पेस्ट बना लिया है, इसको भी हम इसमें अच्छे से घी में भून लेंगे। अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप ऊपर से घी डाल सकते हैं इसमें। अब हम बूरा डाल देंगे और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम गैस का फ्लेम स्लो रखते हैं, इसमें हम काजू डाल देंगे और अपने बादाम भी डाल देंगे। हम इसको थोड़ा गाढ़ा होने पर गैस ऑफ कर देंगे अब, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए इसके लिए थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसमें बादाम भी मिक्स कर दिया और इसको अच्छे से मिला लिया है। गैस ऑफ कर दिए, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसके लिए थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ये हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, हमको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म रहेगा जिससे हाथ ना जले और अपन ऐसे गोल गोल हम इसके लड्डू बना लेंगे। इसके सारे ऐसे लड्डू बना लेंगे। ये बनाने में एकदम इजी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हेल्दी भी है और खाने में बहुत टेस्टी है, तो एक बार जरूर आप लोग बना के ट्राई कीजिए। ऐसे हम सारे बना लेंगे। ये हमारे चने के लड्डू तैयार हैं, खाने में बहुत टेस्टी हैं और काफ़ी हेल्दी हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।